ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर आप ये तीन उपाय रोज करेंगे, बहुत आसान है, बहुत सरल है, तो इन तीन उपायों से आपकी कुंडली के जितने भी ग्रह जो खराब हो, जो आपको पता है, जो आपको नहीं पता है, उन सभी को आप सकारात्मक फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन उपायों को करने के बाद आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। ये बहुत कारगर उपाय हैं। ये बहुत सारे जातकों ने अपने जीवन में इन उपायों को अपनाया है और इन उपायों में वो शक्ति है जिनको आप प्रयोग करके खुद महसूस कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो उपाय कौन से, उन उपायों को कैसे करना है और इन तीन उपायों को अपने जीवन में आपको उतारना चाहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जो भी आपका मन हो, लेकिन कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम ज़रूर ज़रूर लिखे। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। सबसे पहला उपाय, जैसे ही आप सुबह उठें, उठने के बाद आप अपने मन में कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। उठते से ही आंख बंद करें और बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। 108 बार सुबह जैसे आप जाप करेंगे, पूरा दिन आपका सकारात्मक जाएंगे और आपके जितने भी नौ के नौ ग्रह हैं वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। दूसरा है कि आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हैं, वहाँ पर भोलेनाथ का रोज़ आप जल से अभिषेक करें। अपने जीवन की आदत बना लें, अभिषेक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सूर्य को रोज़ जल चढ़ाएं, सूर्य को रोज़ अर्घ दें, उससे बहुत फ़ायदे आपको होंगे।